इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हुई जो है वो जनिन को कहती है कि क्या तुम्हें सच्ची में मेरी ये चॉकलेट चाहिए, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये चॉकलेट चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो। तो जो जनिन है वो कहता है ठीक है सच्ची में मैं सच्ची में तुम्हारी चॉकलेट ले सकता हूँ, पर इसके बदले मैं तुम्हें जो है दूसरी चॉकलेट दूंगा, ठीक है। तो जो है हुई कहती है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो कि ये चॉकलेट जो है हाँ ने तुम्हें दी है। तो सुन के जनिन कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरी चॉकलेट दूंगा। तो इन दोनों ऐसे बात करते हुए हान देख रहा होता है और जनी कहता है तुम 2 मिनट बस मेरा यहीं पे वेट करो। और तभी जो है हान कहता है कि मुझे और भी कुछ काम है, तुम्हें जो करना है तुम लोग करो मैं जा रहा हूँ। तभी जो है हुई हान को जाते हुए देख रही होती है, तभी जो है हान का फ्रेंड जो है हुई को कहता है कि बस करो उसको देखना बंद करो, मेरे हिसाब से तो तुम्हें जो है हान पर अब गिव अप कर ही देना चाहिए। तभी जो है हुई कहती है शराब ठीक है। तभी जो है पीछे से जनी आता है और कहता है हे हुई वेट। तभी हुई रुकती है और तो जनी जो है वो कहता है ये लो ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। तो जो हान का फ्रेंड है वो कहता है कि क्या तुम तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुमने सुना नहीं हान को चॉकलेट पसंद नहीं है तब भी तुम जो है चॉकलेट ले रहे हो इससे। तभी जो है हुई वो जो चॉकलेट ले लेती है, पर वो कहती है कि जनी ये चॉकलेट तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक काम करो तुम जो है इसे काउंटर पर जाके चेंज कर दो। तो जनी कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम इसे रख लो। और जो है हुई से उसकी चॉकलेट जनी ले लेता है और अपनी चॉकलेट हुई को दे देता है। उसके बाद जनी जो है वहाँ से चला जाता है और हुई जो उसको जाते हुए देख रही होती है और वो थोड़ी शॉक्ड भी होती है। तभी जो है हान का फ्रेंड उस चॉकलेट को देखता है और कहते हैं क्या ये चॉकलेट तो बिल्कुल भी चीप नहीं लग रही, बेकार नहीं लग रही। अब जो है हुई तुम ये मत बोलना कि ये जो जनी को भी तुम पे जो है क्रश है। तो ये सुन के जो हुई कहती है कि नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जो है मुझे सीधा, अगर उसको मेरे पे क्रश होता वो सीधा ला के चॉकलेट मुझे देता, पर उसने अचानक से चॉकलेट तुम्हें पर एक्सचेंज करके ली। तभी जो है हम हान को देखते हैं जो कि वापस से वहीं पे आया होता है और पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। तभी वहाँ पर काउंटर पे खड़ा है जो मेंबर है वो बोलता है हे हान हे इधर आओ तुम्हारा जो लिटिल ब्रदर है वो तो प्यार में पड़ गया। हाँ ये देखो उसने जो उस गर्ल के लिए चॉकलेट भी खरीदी वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तभी जो है उसका पेमेंट देखते हैं जो कि 578 की होती है और देखिए हान शॉक्ड होता है और कहता है कोई बात नहीं हेलो इसका पेमेंट जो है मैं कर देता हूँ डेबिट से ठीक है। तो वो लिस्ट को रख रहा होता है तभी जो है वो कहता है वो काउंटर वाला पर्सन कहता है वाओ तुम तो बहुत ही अच्छे ब्रदर हो पर वो तो तुम्हारा प्यार है ना। तो ये सुन के जो हान को गुस्सा आता है और उस पेपर को बिल्कुल गुस्से से मोड़ रहा होता है और कहते हैं कि पर उसे जो है गर्ल में इंटरेस्ट है। तो तभी जो है सीन शिफ्ट होता है, हाँ जो है वो अपने घर आता है और एंटर करते ही वो सामने देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। और तभी जब हम देखते हैं कि अंदर रूम में जो है सोफे पे जनी बैठा होता है और कहता है ओ तुम आ गए। तो ये देख के जो है आन कहता है कि तुम पहुंच गए तो तुम यहाँ पे मेरा वेट क्यों कर रहे हो। तभी जो है जनी कहता है कि तुम्हारे जो है हाथ पे चोट लगी है मुझे जो इस पर दवाई करनी है। तो ये सुन के जो है जनी कहता है कि ओ मैं तो इसे ऑलमोस्ट भूल ही गया था, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम जाओ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो है ये सुन के जो है जनी जो है हान के क्लोज आता है और कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है मुझे दवाई लगाने दो, और वैसे ही मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना, वैसे भी तुम्हारे हाइट जो सीधे हाथ पे चोट लगी राइट हैंड साइड पे और तुम खुद से नहीं कर पाओगे। तो जो है हान जनी को देख रहा होता है और फिर कहता है अच्छा ठीक है लो करो तुम्हें जो करना है तुम वो करो बराबर से। तभी जो है जनी जो है हान के हाथों पर दवाई लगा रहा होता है, तो हान जो है जनी को बहुत प्यार से देख रहा होता है, उसकी आंखों में दिखते हैं कि कितना प्यार से वो देख रहा है और इसे अभी लगता भी है कि थोड़ा थोड़ा हान को भी जो है जनी पसंद आ रहा है। तभी जो है जनी जो है वो हान से बोलता है कि क्या तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा अभी भी दर्द हो रहा है। तो हान जो है वो कहते हैं नहीं अरे ठीक है दर्द नहीं हो रहा है। तो जनी हान जो है वो कहता है कि अब अंधेरा हो गया। तो ये सुन के जनी जो है वो कहता है कि अच्छा बताओ कि हम लोग कहाँ जाएंगे तुम्हारे रूम में, अगर तुम चाहते हो अगर तुम खुश पसंद आए तो तुम मेरे रूम में भी चल सकते हो। अच्छा ये बताओ वैसे तुम जो है स्नॉकर हॉल में क्यों गए, हम जैसे एज को तो जाना अलाउड नहीं है। तो ये सुन के जो है हान कहता है तो क्या तुम मेरे नाम पर रिपोर्ट करोगे। तो जो जनी है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जॉब ढूंढा है, तुम जो है मुझे भी सॉकर और खेलना सिखाओ मैं हर घंटे का तुम्हें जो है पेमेंट करूँगा। तो ये सुनकर जो है हान हंसने लग जाता है और कहते क्या तुम मेरी पेमेंट करोगे और तुम्हारे पास तो डेबिट कार्ड नहीं है
और अभी जो तुमने वहाँ पे चॉकलेट लिया उसकी पेमेंट का क्या? तो ये सुन के जो है जन्नी कहते हैं क्या इसका मतलब तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चल गया? तो जन्नी कहते हैं कि बस मैंने जो है वो चॉकलेट हुई को एक्सचेंज करके दी है। तो जो है आहान कहते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, तुमने उसे चॉकलेट तो दी है ना? तो जनी कहते हैं नहीं, मैंने उसे सिर्फ चॉकलेट एक्सचेंज करके दिए, क्योंकि अगर मैं उसे एक्सचेंज नहीं करता चॉकलेट तो हुई जो है वो चॉकलेट तुम्हें दे देती। तो ये सुन के हान कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, तभी जो है जनी कहता है मैं थोड़ा सा वो ब्लश कर रहा होता, तभी जो है जनी कहता है कि मेरे हिसाब से जो है मुझे लग रहा है कि मैंने उसे चॉकलेट दिया, तो इस चीज़ पे तुम मेरे पे गुस्सा करो और इस चीज़ को जो है तुम जो है थोड़ा शांति से बाद में सोचना। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं जो है तुम्हें जूलिन की तरह पसंद नहीं करता है, मैं तुम्हें उस तरीके से पसंद करता हूँ जैसे हुई तुम्हें पसंद करती है। तो ये सुन के जो है हान को कुछ समझ नहीं आता और वो जो है जनी को देख रहा होता है। तभी जो है हान कहता है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तो जनी कहता है हाँ सच्ची में मैं पागल ही हो गया हूँ। तो हान कहता है कि मुझे जो है इन सारी फालतू और बेकार सी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व मत करो, समझे? और वो जो है जनी को गाली देता है। तभी जो है जनी कहता है कि पर मैं इस चीज़ के लिए अभी जो है पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। तभी जो है हान कहता है ये पकड़ो, ये तुम्हारी स्लिप है जो भी तुमने चॉकलेट खरीदी थी और मैंने जो है इसकी पेमेंट कर दिया, तो तुम्हें जो है शॉक हॉल में दोबारा से आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है अब। हाँ, तो हान जो है गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है, तो जनी जो है उसे रोक रहा होता है और कहता है हान रुको। तो तभी जो हम देखते हैं जनी की मॉम उठ जाती है और कहती है कि कौन है बाहर। तभी जो हम देखते हैं हान गुस्से में जा रहा होता है और जनी उसी के पीछे होता है। ये चीज़ जो है जनी की मॉम ऐसे देख रही होती है, तभी वो रूम से बाहर आती है और हान को कहती है ही जनी क्या हुआ? ये हान क्या तुमसे दोबारा से तुमसे फाइट कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ, तो जनी जो है कुछ नहीं बोलता और शांति से खड़ा होता। तो उसकी मॉम जो है कहती है कि ये जो है बिल्कुल अपने फादर पे क्या है, बाहर तो बहुत अच्छे से रहेगा और बाहर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका गुस्सा जो घर पे आकर जो है निकालेगा। ऐसी है ये दोनों। हाँ, तभी जो है उसकी मॉम जनी की मॉम कहती चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो, इग्नोर करो, और वैसे भी मैं तुम्हें बोलती हूँ मेरी एडवाइस तुम मानते नहीं हो कि इससे जो है दूर रहा करो, अब छोड़ो और जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। तो जनी कहता है ओके मॉम। हाँ, जो हम देखते हैं जनी जो अपने बेडरूम में लेटा होता है, मन में सोचते हैं कि ओह माय गॉड मैंने क्या कर दिया, और मैंने जो है सारी चीज़ जो है ख़राब करके रख दी। मैं जो चाहता था वो मैंने उसको बोल तो दिया हान को, पर इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है मैंने जो भी बोला उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क था, पर मेरे हिसाब से अब हान जो है मेरे पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। मैं कल जो है बिग ब्रो से जाके माफ़ी मांग लूँगा, और प्लीज़ बिग ब्रो मुझे अकेला मत छोड़ना। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जो है जनी ने जो है दो कैंडी जैसी टॉफी ले रखी थी जिसमें स्पेस होता, और एक को खुद जनी बनाया होता है, एक को हान, और दो आपस में बात कर रहा होता, खुद ही बोल रहा होता है कि हान मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर जूलिन की तरह नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ हुई की तरह। तभी हान कहते क्या बकवास है, इन सब चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व मत करो। तभी आसपास के लोग ऐसे जा रहे होते तो उसको इस तरीके से देख कर कि कैसे खुद ही में बातें कर रहे हैं, तो वो जो है अजीब सा फेस बना रहे होते हैं। तभी जो है हाँ चलते चलते जो है वही जो है स्टॉकेट और हॉल में पहुंच जाता है। तभी वहाँ गार्ड होता है और कहता है हे चाइल्ड कहाँ जा रहे हो, तुम जैसे बच्चों को ऐसे अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तुम जैसे पर्सन्स को। हाँ, तभी जो है जनी कहता है कि मैं जो है हान से मिलने आया हूँ, मैं जो है अपने बिग ब्रदर से मिलने यहाँ पे आया हूँ। तभी जो है गार्ड कहता है कि कौन कौन आन? तो जो है जन्नी कहते हैं वो यहाँ का जो है बॉडी गार्ड है सेकंड फ्लोर का। तो ये सुन के जो है वो गार्ड है वो कहता है ओ तुम तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। पर हाँ जो है उसने अब यहाँ की जो है जॉब छोड़ दी है। तो जन्नी जो है वो पूछते हैं तो फिर वो गया कहाँ? तो वो जो पर्सन है वो कहता है कि वो तुम्हारा भाई है, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि वो कहाँ गया होगा। हाँ, तभी जो है ये सुन के जो है जो जनी के हाथ में जो आइसक्रीम होती है कैंडी वो गिर जाती है। फिर वो जो है जा रहा होता है और मन में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब जो है अब मैं हान से दोबारा इस जगह पे नहीं मिल पाऊँगा और मैं उसे ढूँढूँगा कैसे, हो सकता है वो कल वापस आ जाए
रो, आप मुझे जो है इस तरीके से ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू आप जो भी कमेंट्स करते हैं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स रीड करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप मुझे प्यार करते रहिए। थैंक यू, बाय।